चलिए साथ में बनाते हैं दुनिया के सबसे आसान छोले, जो कि फटाफट बनके तैयार हो जाते हैं। ये वन पॉट छोले हैं, जितने ये आसान है बनाना उतने ही ये ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि यम्मी टमी किचन में। तो सबसे पहले मैंने छोलों को भिगो दिया था, मैंने 2 घंटे के लिए इसको भिगाया था। अगर आप ओवरनाइट भिगाना भूल जाते हैं और फटाफट आपको छोले बनाने हैं तो आप 2 घंटे पहले इसको ज़्यादा गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो ये 2 घंटे में भीग के तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने इसको कुकर में डाल दिया है, फिर मैंने डाल दिया है 2 ग्लास पानी और डाल दिया मैंने इसमें साबुत प्याज। प्याज को मैंने कट नहीं किया है, बिल्कुल साबुत ही डाल देंगे इसमें, और साबुत ही हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। मैंने 3 प्याज और 3 टमाटर डाले हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, 7 से 8 लहसुन डाल देंगे और 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा वह अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 मैंने इसमें डाल दिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप सादा वाली सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 2 तेज़पत्ता डाल दिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची हरी वाली जो होती हैं वो डाली है मैंने, 4 मैंने डाल दिया है इसमें लौंग, और 10 से 15 काली मिर्च के दाने, और 1 डाल दिया है चक्रफूल, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और इसको डालने के बाद इसकी लिड लगा के 6 से 7 सीटी आने तक हम इसको बॉईल करेंगे। 1 सीटी हम इसको तेज गैस पे लेंगे, फिर हम इसको स्लो गैस पे 6 से 7 सीटी लगा लेंगे। और देखिए 6-7 सीटी लगने के बाद जब प्रेशर इसका रिलीज़ हो गया है, देखिए सब चीज़ अच्छे से उबल गई है, तब इसमें जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इनको हम सेपरेट कर लेंगे अलग, और इनको ठंडा होने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसको मैंने निकाल दिया अलग, और जितने भी इसमें खड़े मसाले पड़े हैं उसको हम निकाल के इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अब छोलों में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर हमारे छोलों में आ गया है। और ये मुंह में नहीं आते हैं तो छोले खाने में भी अच्छे लगते हैं, इसलिए इससे मैंने सारे साबुत खड़े मसाले निकाल दिए हैं। और देखिए छोले भी हमारे अच्छे से उबल गए हैं, देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये पक गए हैं। और इसके बाद इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, पानी को भी हम इसी में डाल देंगे, पानी को हम हटाएंगे नहीं क्योंकि अभी आगे इसके हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैंने उसी कुकर में मैंने डाला है सरसों का तेल, आप जो भी तेल खाते हो आप उसमें डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डाल के, जो मैंने टमाटर, प्याज इन सभी का जो पेस्ट बना के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे, और इस जब तक कि इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक इसको हम अच्छे से भूनेंगे। आप जितना अच्छे से इसको भूनेंगे हमारे छोले उतने ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। देखिए इन्होंने ऑयल हल्का सेपरेट कर दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है छोले मसाला। अगर आपके पास छोले मसाला ना हो तो आप इसके जगह किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, आपको छोले मसाला की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी और छोले बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। लास्ट में मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया था मैंने इसमें गर्म मसाला, लाल मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च और इसमें साबुत वाली लाल मिर्च डाली थी। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल दिया है मैंने ताकि ये जले नहीं मसाले। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, क्योंकि छोलों में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा, कसूरी मेथी आप इसमें ज़रूर डालना, आपके छोले नेक्स्ट लेवल पर टेस्टी बन के तैयार होंगे। और सभी मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तो जो हमने छोले उबाल के रखे थे उनको हम पानी सहित इसमें डाल देंगे, इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप चाहें तो, अगर आपको खट्टे छोले खाने पसंद है तो आप इस स्टेज पे इसमें थोड़ी सी खटाई यानी कि आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज आमचूर पाउडर ख़त्म हो गया था, इसमें लास्ट में इसमें मैं नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस आपको लास्ट में ही डालना है, पहले आप इसको नहीं डालिएगा। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला था। याद रखिएगा कि आपने पहले में भी इसमें नमक डाला था इसलिए नमक आप इसमें हिसाब से डालिएगा। फिर इसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 सीटी और लगा ली थी कुकर, जब
इसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा और देखिए हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं। इन छोले बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं होता और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। जितना टाइम छोले उबलने में लगता है केवल उतना ही टाइम लगता है। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। हरा धनिया से हमारे छोले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इनको मैंने मिक्स कर दिया था। फिर हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस डाल के मिक्स कर दिया है और लीजिए हमारे फटाफट बनने वाले टेस्टी से दुनिया के सबसे सरल तरीके से बनाए हुए छोले बनके तैयार हैं। इन छोलों को आप पूड़ी से खाएं या भटूरे से, रोटी से खाएं या पराठे से या राइस से, सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक शेयर, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।